हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी में पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं और सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, इसे क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। मैं ये सारी बात बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली भी और पेपर पे ड्रॉ करके भी। तो मैंने सोचा आपको पहले पेपर पे ड्रॉ करके बताऊं, इससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि पहले आपको पेपर पे ड्रॉ करके बताऊं, फिर आपको प्रैक्टिकली जा करके बताऊं, वहाँ आपको कनेक्शन भी दिखाएंगे और वोल्टेज भी करके दिखाएंगे, वोल्टेज भी मेजर करके दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पेपर में कुछ ड्रॉ करके रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बैटरी बना के रखा हूँ। मान लीजिए कि ये बैटरी आपका, तीन बैटरी है, एक बैटरी आपका 12 वोल्ट का है, दूसरा भी 12 वोल्ट है, तीसरा भी 12 वोल्ट है। तो ये तीनों बैटरी हमारा 12 वोल्ट का है। अब हमें इसमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि देखिए, हमने पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्शन करके दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन किया, दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से तीसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन किया। यहाँ से हमने एक केबल लेकर के, या तो फिर ये समझ लें, मान लीजिए कि आप ये यहाँ से आप वोल्टेज मेजर करेंगे, या फिर ये लोड जहाँ आप कनेक्शन करना चाहते हैं वो लोड पॉइंट है। फिर मैंने इसी पहले बैटरी से नेगेटिव पॉइंट से दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक लेकर आए, फिर यहाँ से तीसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टर्मिनल तक लेकर आए, फिर यहाँ से आपको जहाँ भी आप कनेक्शन करना चाहते हैं या फिर यहाँ आप मेज़र करना चाहते हैं। तो गाइस, ये जो मैंने किया, ये इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन किस लिए किया जाता है? जहाँ आपको करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ आप पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने किया है। तो पैरेलल कनेक्शन करने का जो एक मेन रीज़न होता है, जहाँ आपको ज़्यादा करंट चाहिए वहाँ पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ सीरीज कनेक्शन किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर साइड में मैंने तीन बैटरी बनाया था, नीचे की साइड में भी मैंने तीन बैटरी बनाया है, और तीनों बैटरी हमारा 12 वोल्ट्स का ही है। ये भी 12 वोल्ट्स का है, ये भी 12 वोल्ट्स का है, ये भी 12 वोल्ट्स का है। अब मैं इसमें कनेक्शन करके बताऊँगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपको मालूम होगा कि हर बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना है सीरीज कनेक्शन करने के लिए? हम नेगेटिव टर्मिनल से एक केबल टर्मिनेशन करेंगे, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट इधर लेकर आएंगे। ये आप मान लीजिए कि आपका मेजर करने का पॉइंट है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब बचा हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से हम एक केबल उठाएंगे और दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाके कनेक्शन करेंगे। अब इस दूसरे बैटरी का हमारा बचा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से हम उठाएंगे, एक केबल टर्मिनेशन करेंगे, यहाँ से फिर हम तीसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ले जाके कनेक्शन करेंगे। अब हमारा तीसरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बचा, यहाँ से एक केबल कनेक्शन करने के बाद में हम, जैसा कि बताएं कि आप मेजर करने के पॉइंट पे ला सकते हैं या आप यहां से लोड कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, आपको बता देता हूं अब मेज़र करके कि आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट्स का है, तो हम मेजर करते हैं 12 वोल्ट इंटू 3 बैटरी इज इक्वल टू 36 वोल्ट। तो मैंने आपसे पहले कहा कि पैरेलल कनेक्शन कहाँ करते हैं और सीरीज कनेक्शन कहाँ करते हैं। तो
तो सीरीज कनेक्शन इसलिए करते हैं कि जहां हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वहां हम सीरीज कनेक्शन करते हैं बैटरी का। तो हम आपको बताते हैं, जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये सीरीज कनेक्शन किया है, एक बैटरी का वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, तो तीन बैटरी का वोल्ट 36 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, हमारे पास क्लैंप मीटर है, सारा कुछ है, आपको मेज़र करके भी दिखाऊंगा और सीरीज कनेक्शन भी दिखाऊंगा, पैरेलल कनेक्शन भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट्स का है तो तीन बैटरी हमारा 36 वोल्ट का होगा। तो जब आप ये दोनों पॉइंट में क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर के जरिए आप मेज़र करेंगे तो यहाँ आपको 36 वोल्ट दिखाई देगा। इसी तरीके से यह हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में सिर्फ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, एक वोल्टेज एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट्स का है, तो इसी तरीके से तीन बैटरी है, तो तीन बैटरी को हमने कनेक्शन कैसे किया पैरेलल में। जब हम यहाँ मेज़र करेंगे तो हमें 12 वोल्ट ही दिखाई देगा। इट मीन्स हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किए हैं तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, पैरेलल में हमारा पैरेलल में सिर्फ करंट इंक्रीज होता है, सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज होता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ये हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बैटरी में करके दिखाऊंगा कि पैरेलल कैसे होता है और सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, वोल्टेज कैसे मेज़र करते हैं, सीरीज का वोल्टेज मेज़र करके दिखाएंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं। पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं कि हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। जैसा कि हमारा डीजी है, मैं उसमें दिखाऊंगा, हमारा डीजी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है, स्टार्टर जो भी उसका सेल्फ स्टार्टर है उसका ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लेता है, तो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं ज़्यादा बैटरी के साथ में, वोल्टेज हमें उतना ही चाहिए इसलिए पैरेलल कनेक्शन करके हम उसे करंट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट हमें ज़्यादा चाहिए। सीरीज कनेक्शन वहाँ करते हैं जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप पूरी वीडियो एंड तक देखें प्रैक्टिकल, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज मेजर करके बताऊंगा। तो गाइस देखिए, हमारे पास में 6 बैटरी है, हर एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का हर एक बैटरी है, लेकिन हमारा बैटरी सीरीज भी किया हुआ है और पैरेलल भी किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेज़र करके, तो आप देख लीजिए हमारा हर दो बैटरी जो है सीरीज किया हुआ है। सीरीज किस लिए किया हुआ है, क्योंकि एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, तो दो बैटरी को हमने सीरीज किया है, दो बैटरी को सीरीज करने के बाद हमारा जो है 24 वोल्ट्स मिला है। 24 वोल्ट्स सीरीज करने का मतलब यह है कि हमारा जो ये सेल्फ स्टार्टर है डीजी का, इसे 24 वोल्ट चाहिए, इसलिए हमने 12 बैटरी को सीरीज किया है। ठीक है, अब रही बात पैरेलल का, तो पैरेलल हम कैसे किए हैं आप देख सकते हैं, हर दो बैटरी से हमने लेकर के स्टार्टर में डाला है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर 24 वोल्ट से यहाँ पे डाला है, तो हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है ये हो गया है। इट मीन्स हम जो बताते हैं मेन पर्पस जो 6 बैटरी के लगाने का है कि हमें यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन भी किए हैं। करंट ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारा जो डीजी इंजन है वो काफ़ी हैवी है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग करंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6 बैटरी लगाए हैं पैरेलल में। पैरेलल करने का पैरेलल इसीलिए किया जाता है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा करंट चाहिए वहाँ आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, जहाँ आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वहाँ आपको सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमने दो बैटरी का सीरीज किया है,
हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमें दो बैटरी का सीरीज करके 24 वोल्ट्स बनाया है। अब हर दो बैटरी को जोड़ के हमने 24 वोल्ट्स बनाया है, लेकिन हमें यहाँ करंट भी ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, तो हमारा इस तरीके का कनेक्शन किया हुआ है पैरेलल में। तो अब मैं आपको वोल्टेज मेजर करके बताऊंगा बैटरी का, सीरीज का भी और पैरेलल का भी क्लैंप मीटर के जरिए। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में ये क्लैंप मीटर है और हमारे पास दो प्रोब है। ये दो प्रोब जो हमारा नेगेटिव है वो हम कॉमन में डाले हैं और जो हमारा पॉजिटिव है वो वोल्टेज में डाले हैं। देखिएगा अब हम क्लैंप मीटर को ऑन करते हैं और हमारा सिलेक्ट ही था, अब इसको हम डीसी वोल्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पैरेलल का चेक करके बताता हूँ। आप गौर से हमारे इस डिजिटल मीटर के डिस्प्ले पे आप देखिएगा कि 1 वोल्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है। तो देखिए पहला जो प्रोब है मैंने नेगेटिव पे डाला और दूसरा जो है पॉजिटिव पे, जो रेड प्रोब है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है 13 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन हमारा बैटरी जो है वो 12 वोल्ट्स का है। तो 1 वोल्ट जो ज़्यादा दिखा रहा है, ये ज़्यादा दिखाने का रीज़न ये है कि हमारा बैटरी जो है वो चार्जिंग में है, तो हमें इतना 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है। इसलिए अगर नहीं दिखाएगा इट मीन्स हमारा बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, हमारा चार्जर फेल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ दोनों बैटरी का सीरीज कनेक्शन का वोल्टेज। तो जैसा मैंने आपको इससे कहा कि एक बैटरी का वोल्ट हमारा 12 है, तो दो बैटरी का सीरीज करने के बाद 24 वोल्ट होना चाहिए। तो देखिए मैंने नेगेटिव प्रोब जो है पहला बैटरी के नेगेटिव में टच किया है और दूसरा जो प्रोब है हमारा पॉजिटिव का, ये दूसरे बैटरी के पॉजिटिव में टच किया है। तो अब हमारा डिस्प्ले पे आप गौर से देखिएगा यहाँ पे 26 वोल्ट्स आ रहा है, इट मीन्स हमारा बैटरी चार्जिंग में है, 2 वोल्ट्स ज़्यादा है। तो ये हमारा पैरेलल हो गया, ये हमारा सीरीज हो गया। तो हमें वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, तो हम दो बैटरी का सीरीज करके हमें 24 वोल्ट्स ले लिया। 24 वोल्ट इसलिए लिए क्योंकि हमारा डीजी का जो सेल्फ स्टार्टर है वो 24 वोल्ट्स का है। तो हमने दो बैटरी को सीरीज करके 24 वोल्ट्स बना लिया और पैरेलल करके हमें ज़्यादा करंट चाहिए था, तो पैरेलल करके हम करंट ज़्यादा ले लिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट बताने का आपका फुल कोशिश किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और हो सके तो फ्रेंड को शेयर करें हमारी वीडियो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है और ये क्वेश्चन है आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कुछ आपको डाउट नज़र आए तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। हो सके तो आप फ्रेंड को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।